वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू एनआईई। तो कैसे हैं आप सब? ठीक कैसी चल रही है गाइस? हालचाल क्या है? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? ठीक है, न्यूमेरिकल में लिखे सॉल्व कर रहे हो? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने भी हैं अच्छे से सॉल्व करो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो चाहे वो थियोरी हो। ओके, बहुत हेल्प आउट करते हैं। अगर लास्ट 5-7 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करके जाते हो बोर्ड में, तो बहुत अच्छा चांस होता है स्कोर करने का। इसका मतलब ये नहीं आपको सिर्फ वही करके जाना है। ओके, बहुत सारी चीजें आपको करके जानी होती है ना। आज गाइस हम लेके आ गए अपना लेक्चर नंबर 3। ओके, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, बट वंस अगेन चैप्टर छोटा है, वेटेज बड़ा है। छोटा चैप्टर, वेटेज बड़ा, 7 मार्क का वेटेज है गाइस। कितने मार्क का? 7। देखो एक्चुअली ये 5 लेक्चर का चैप्टर है, 5 लेक्चर, 5 लेक्चर लगते हैं केडीजी कंप्लीट करने के लिए थियरी पार्ट, ठीक है। लेकिन हम 4 ही लेक्चर लेंगे। 4 लेक्चर क्यों लेंगे गाइस? क्योंकि केटीजी का एक पार्ट है जो बहुत ज्यादा लिंक होता है थर्मोडायनामिक्स से, बहुत ज्यादा लिंक होता है थर्मोडायनामिक्स से। तो वो पार्ट जो है ना केटीजी का बच्चा, हम थर्मो में ही करेंगे, हम थर्मो में करेंगे, क्लियर? बहुत ज्यादा लिंक होता है वो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं व्हाट आर गैस लॉ। ओके, इंट्रोडक्शन लेंगे हम, ठीक है, व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ओके, एंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें हमें देखना है बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो 2 साल कंसेक्यूटिव बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 2021-2022, 2 साल कंटिन्यू, सॉरी 2022 और 2023, 22-23, 4-4 मार्क के लिए पूछा जा चुका है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। 3-3, 4-4 मार्क के लिए 2 साल कंसेक्यूटिव पूछा जा चुका है गाइस। डेरिवेशन आसान है, बड़ा है लेकिन आसान है। मैं आपको उसके ना हिंट्स दूंगा, वो हिंट्स के अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है, क्लियर? श्योर? और उसका एक पार्ट आता है, कौन सा पार्ट, क्या बोलते हैं हम लोग, भूल गया, स्पेसिफिक हीट एंड मेयर, सॉरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एंड मेयर्स रिलेशन। अभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन और मेयर्स रिलेशन, ये बहुत ज्यादा मर्ज होता है आपके थर्मोडायनामिक्स से। तो ये बात मैं आपको थर्मोडायनामिक्स में ही पढ़ाऊंगा, मतलब थर्मोडायनामिक्स अगर 4-5 लेक्चर में खत्म हो रहा है तो हमें वहां पर 1 लेक्चर एक्स्ट्रा लगेगा। एक्चुअली एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, वो थर्मो का पार्ट ही है। आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं कि स्टेट बोर्ड ने मेयर्स रिलेशन केटीजी में क्यों डाला है, क्योंकि मेयर्स रिलेशन को प्रूव करने के लिए भी आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स चाहिए, और अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स का क्या है वो पता ही नहीं है, तो केटीजी में इसको डालने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। बट ठीक है, चलो कुछ सोच समझ के डाला हूँ उन्होंने, फाइन। बट हम लोग वो कहां पढ़ने वाले हैं? थर्मोडायनामिक्स में। तो बेटा ये मत सोचना कि सर ने ये पार्ट पढ़ाया नहीं, ये पार्ट हम कहां पढ़ेंगे? थर्मोडायनामिक्स में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, हमारे प्यारे से चैनल एनआईई पे लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 3, दैट इज नथिंग बट केटीजी। बड़े बच्चों चल, तो चैप्टर नंबर है अपना 3, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। पूरा चैप्टर का नाम है ये। कितने मार्क का वेटेज है? 7 मार्क का वेटेज है गाइस। बेटा मैं ना इसे जैकपॉट चैप्टर बोलता हूं, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स भी मस्का है, मस्का, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है गाइस। मतलब एक ही फॉर्मूला आप देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एक ही फॉर्मूले पे बेस आपको कितने सारे न्यूमेरिकल्स है। VRMS इक्वल्स टू √3RT/m, इसी फॉर्मूले पे बेस आपको कितने, 4-5 न्यूमेरिकल तो एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है। फिर रेडिएशन पार्ट के न्यूमेरिकल मतलब बहुत आसान है। ओके, सो इसको विथ न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना बेटा, विथ न्यूमेरिकल, ठीक है। ओके ना, अब देख लेते हैं गाइस, जैसे आपको बता ही रहा है, चैप्टर का नाम ही आपको बता रहा है कि भाई हमारा जो पूरा चैप्टर है वो डिवाइड हो चुका है 2 पार्ट में, बराबर। एक पार्ट है अपना केटीजी, एक पार्ट है अपना रेडिएशन, बराबर। अच्छा, तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस में गाइस क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग, ध्यान दो जरा।
क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सुनो, पहले हम लोग देखेंगे गैस लॉस एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे गैस लॉ इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस एंड इट्स अजम्पशन, कि क्या है अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, करेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, बराबर। उसके बाद हम देखेंगे प्रेशर, एग्जर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। फिर हम देखेंगे प्रूव दैट VRMS is directly proportional to root T. Expression for kinetic energies. पक्का? और जो पार्ट है, और जो पार्ट है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, और जो नीचे का पार्ट है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, मेयर्स रिलेशन, ये हम लोग कहां देखने वाले, थर्मो में देखने वाले। तो मैं यहां लिख ही नहीं रहा हूं, मैं यहां लिख ही नहीं रहा हूं, ठीक है। श्योर, यहां हम पढ़ेंगे रेडिएशन। रेडिएशन में क्या क्या देखने वाले गाइस हम लोग, सुनो मेरी बात अच्छे से। रेडिएशन में क्या देखेंगे हम, इंट्रोडक्शन देखेंगे रेडिएशन का, डेफिनेशन क्या है, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फेरिस ब्लैक बॉडी, फेरिस ब्लैक बॉडी क्या है, ठीक है। फिर हम देखेंगे एमिसिव पावर, एमिसिव पावर क्या होता है, ओके। उसके बाद देखेंगे एमिसिविटी, एमिसिविटी क्या होता है। फिर हम देखेंगे गाइस किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। फिर देखेंगे हम लोग स्टेफन्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, स्टेफन्स लॉ, वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये ऊपर नीचे हो गया है, पहले ये देखेंगे, ओके। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ये पार्ट हम देखने वाले हैं केटीजी के अंदर, ये पूरा पार्ट हम केटीजी में देखने वाले हैं, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी एंड रेडिएशन में ये पूरा चैप्टर है, दो पार्ट में डिवाइडेड होगा इस चैप्टर, छोटा चैप्टर है गाइस, ओके। आज के लेक्चर में हम लोग पहले लेक्चर में इतना पार्ट करेंगे, दूसरे लेक्चर में हम लोग ये पूरा पार्ट कंप्लीट कर देंगे, पूरा पार्ट। चलो, एक लेक्चर में हम आधा पार्ट देखेंगे और एक लेक्चर में हम दूसरा आधा पार्ट देखेंगे, हम लोग चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, चार लेक्चर्स में चैप्टर वाइंड अप एकदम फटाफट, वन शॉट में, तो दो सवा दो घंटे में चैप्टर पूरा वाइंड अप हो जाता है, ओके। लेंगे वो भी आएगा, हाँ, बहुत जल्दी सरप्राइज आने वाला है आपके लिए, ये प्लानिंग फुल जोरों शोरों से प्लानिंग चालू है यहाँ पे, ठीक है। तो सब 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 एकदम रेडी हो जाना, ओके। चलो सो बढ़ते हैं आगे एंड आ जाते हैं हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, इंट्रोडक्शन पे आते बेटा। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम लोग को क्या देखना है गाइस, हमें देखना है गैस लॉस, और उसमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है मेरा बच्चा बॉयल्स लॉ। क्या है बॉयल्स लॉ गाइस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखते हो, ओके, तो एक
गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। बेटा ये देखो, ये तो पता ही है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स जो है ओके वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, दूर जाते हैं, स्टेट चेंज होने का घर पाता है, दूर जाते हैं, दूर जाते हैं तो डेंसिटी घटता है, डेंसिटी घटता है और वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है मतलब प्रेशर घटेगा। अरे डेंसिटी अगर कम हो रहा है तो प्रेशर भी तो कम हो जाएगा ना, प्रेशर कम हो जाएगा, क्यों, मॉलिक्यूल्स क्राउडेड होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स अवे हो जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, करेक्ट। तो ये एक्चुअली बॉयल्स लॉ है, ये एक्चुअली अगर आपको ये हम लोग डेप्थ में पढ़ते हैं, अभी डेप्थ में नहीं पढ़ा सकते बेटा, अभी 12 का पार्ट देखना है हमें, ओके। ये सिर्फ एक क्योंकि ये आपको काम आता है इसलिए बताना जरूरी है, ओके। बाकी बॉयल्स लॉ एक्चुअली होता क्या है ये डेप्थ में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड 11th में, दैट इज नथिंग बट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्लियर, ओके। सो अभी as law, what is Boyle's law? At constant temperature, volume of a given mass of gas is inversely proportional to its pressure. At constant temperature, volume of a given mass of gas is inversely proportional to its pressure. बराबर, एकदम पक्का, sure. So, therefore, volume is inversely proportional to pressure. So PV is equals to constant. So P1 V1 will be equal to P2 V2. P1 V1 will be equal to P2 V2. Very important. Very important. Okay. Sure. आगे बढ़े. अब आते हैं second. That is nothing but चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर, अगर आपने एक गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखा ओके, तो उस गैस का, उस गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ, मतलब अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर रहे हो ओके, सॉरी प्रेशर को अगर आपने कांस्टेंट रख दिया, प्रेशर को आप चेंज नहीं कर रहे हो ओके, तो जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा, पढ़ाई है ना, अगर आप एक गैस, अगर आप किसी भी सॉलिड लिक्विड या गैस को हीट करते हो तो एक्सपांड करता है, एक्सपांड करता है मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पक्का समझो बेटा, रट्टा मत मारो, समझो। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द absolute temperature. क्या बोला बेटा, at constant pressure volume of a given mass of gas is directly proportional to the absolute temperature. बेटा याद रखना, absolute temperature, absolute temperature क्यों लिखते हो, absolute temperature मतलब वो temperature जिसको हम केल्विन में मेजर करते हैं, याद रखना डिग्री सेल्सियस में नहीं, मतलब अगर वो डिग्री सेल्सियस में दिया तो आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लियर है, एकदम पक्का। सो देयरफॉर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, बराबर।
सो वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू वी टू अपॉन टी टू. वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू वी टू अपॉन टी टू. एकदम पक्का श्योर गाइस? ओके, तो तुरंत आ जाते हैं थर्ड पे, दैट इज गी-ल्यू-सिक्स लॉ. व्हाट इज गी-ल्यू-सिक्स लॉ? At constant volume, मतलब अगर आपने given mass of gas का volume constant रखा, at constant volume, pressure of a given mass of gas is directly proportional to the absolute temperature. Okay, अगर volume, याद रखना volume अगर constant है, मतलब volume ना बढ़ रहा है ना घट, अगर वॉल्यूम बढ़ घट नहीं रहा है, ठीक है, तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा. क्लियर? सो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ given mass of gas is directly proportional to the absolute temperature at constant volume. At constant volume, pressure of a given mass of gas is directly proportional to the absolute temperature. Clear guys? Sure guys? So, therefore, बोलो P is directly proportional to T. So, P upon T is equals to constant. बराबर? So, P1 upon T1 equals to P2 upon T2. P1 upon T1 is equals to P2 upon T2. इसको मैं देता हूं equation number 1. इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर टू और इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर थ्री. अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना. फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, क्या बोल सकता हूं? पी वी इज प्रोपोर्शनल टू टी. So PV is equals to RT where R is proportionality constant, also called as gas constant, और R की वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, करेक्ट? R की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर मोल केल्विन. R की एक और वैल्यू होती है 8320 जूल पर किलो मोल केल्विन, किलो मोल केल्विन. आर की ये भी एक वैल्यू होती है, आर की ये भी एक वैल्यू होती है. क्लियर? श्योर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं. फॉर एन मोल्स ऑफ एन
आइडियल गैस एन मोल्स के लिए पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी. पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी. दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन. ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है. पक्का गाइस? आगे बढ़े, ध्यान दो, ध्यान दो. बट बेटा व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलार मास पड़ा है, बराबर ना? तो स्मॉल एन इज एम अपॉन एन पुट कर सकता हूं मैं. सो देयरफॉर पीवी इज इक्वल्स टू एन की जगह पे मास अपॉन मोलार मास इनटू आरटी. तो ये भी एक फॉर्म है, ये भी एक फॉर्म है. क्लियर? एकदम पक्का? हाँ कि नहीं? ऑल्सो क्या नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो नंबर ऑफ, बेटा एक मोल, वन मोल ऑफ अ गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? पढ़ा है ना केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट. एक मोल ऑफ अ गैस में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगाड्रोज नंबर. कितने होते हैं? एवोगाड्रोज नंबर. मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोज नंबर, बराबर? सो स्मॉल एन विल बी कैपिटल एन अपॉन एन ए, कैपिटल एन अपॉन एन ए. सो देयरफॉर पीवी इज इक्वल्स टू एन बाय एन ए आर टी, एन बाय एन ए आर टी. PV is equals to N by Na RT. Clear guys? This is also one of the form of, तो तीन form पढ़े guys, तीन form ideal gas के. एक PV is equals to NRT, दूसरा PV is equals to M by MRT, तीसरा PV is equals to N upon NaRT, N upon NaRT. अच्छा अब इसके ऊपर बेस समझाते हैं बेटा, बहुत आसान, बहुत आसान समझाते हैं, बहुत आसान सम्स. ओके एक सम देख रहा है, एक सम देख लेते, चलो अभी देख ही रहे हो तो देख लेते हैं. ये देखो बारवा क्वेश्चन, बारवा ट्वेल्थ क्वेश्चन. टू वेसल्स ए एंड बी आर फिल्ड विद सेम गैस. दो वेसल मेरे पास, एक ए है एक बी है, दोनों को सेम गैस से फिल किया है. वेयर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल ए, मतलब वी ए टी ए एंड पी ए इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू इन टू, टू टाइम्स द वॉल्यूम प्रेशर एंड वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल बी. मतलब वी ए is equals to 2VB, TA is equals to 2TB and PA is equals to 2PB. Calculate the ratio of number of molecules of gas in vessel A to that in vessel B. Number of molecules are number of molecules. याद रखना. तो क्या बोलना चाह रहा है वो, क्या बोलना चाह रहा है कि भाई दो vessel है, vessel A का volume is twice vessel B का volume.
टेम्परेचर ऑफ गैस ए इज ट्वाइस टेम्परेचर ऑफ गैस बी एंड प्रेशर ऑफ गैस ए इज ट्वाइस प्रेशर ऑफ गैस बी। बराबर, अपने को टू फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल ए टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल बी। फॉर्मूला मालूम है, अभी पढ़ा, ऊपर लिखा है, देख PV is equals to N by NaRT, बराबर, करेक्ट। ध्यान दे, स्टार्टिंग विथ माय सॉल्यूशन फॉर वेसल ए, PAV A is equals to Na upon NaRT। बेटा याद रखना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल ए है, और ये है भैया दो नंबर, इसको गलती से कैंसिल मत करना। सिर्फ यहां, सिर्फ ये सम के लिए मैं ये ए को छोटे से डिनोट कर रहा हूं, सिर्फ ये सम के लिए। वैसे आप कर नहीं सकते हो, वैसे आप कर नहीं सकते हो, लेकिन सिर्फ ये सम के लिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि वैसे भी वो एन एन ए कैंसिल होने वाला है, करेक्ट। बाकी एवोगाड्रोस नंबर इज एन और सबस्क्रिप्ट में कैपिटल ए, सिर्फ ये सम के लिए, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी एन ए है, तो आपको गलती से कैंसिल ना कर दो इसलिए। बराबर, फॉर वेसल बी पी बी वी बी इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए आर टी बी, इक्वेशन नंबर टू। चल डिवाइड कर, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय टू डिवाइड कर, तो पी ए वी ए अपॉन पी बी वी बी is equals to Na upon NaRTA upon Nb upon NaRTB। बराबर, एकदम पक्का। तो यहां पर R by Na cancel, what is PA 2PB, what is VA 2VB upon PB VB is equals to Na as it is, Nb as it is, TA 2TB upon TB, TB TB VB VB TB VB, 2 2 4 upon 2 is equals to Na upon Nb, 1 2 so Na upon Nb is 2 is to 1 2 is to 1। अच्छा, अगर आपको ये चेंज नहीं करना है तो एक और एक मेथड है, एक और एक मेथड है, क्या यहां ध्यान दो, क्या यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, ओके गाइस, हमें क्या मिला, हमें मिला PV is equals to N by Na RT, here R by Na is equals to KB या फिर K KT, where K is Boltzmann's constant, Boltzmann's constant। बराबर, एकदम पक्का, श्योर। तो आप KT नहीं, सिर्फ K, सिर्फ K, तो आप यहां पर R by Na की जगह K लिख सकते हो। सो देयरफॉर PV इज इक्वल्स टू एन के बी टी, ये भी एक एक्सप्रेशन है आइडियल गैस का, ये भी एक एक्सप्रेशन है आइडियल गैस का, क्लियर। तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा वो एवोगाड्रोस नंबर वाला, यू कैन इवन यूज दिस फॉर्मूला, क्लियर गाइस, एकदम पक्का, श्योर। तो हमने गैस लॉस देखे, आइडियल गैस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स देखे, उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे, बढ़े आगे, तो चलो बढ़ते हैं, अब जाते हैं गाइस हम लोग असम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।
चलो एक एक अजम्पशन लेते हैं गाइस हम लोग। सपोज ये कंटेनर है, ओके okay? सपोज ये कंटेनर है और इस कंटेनर में ये गैस के कुछ छोटे 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 मॉलिक्यूल्स हैं। ये गैस के छोटे 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 मॉलिक्यूल्स हैं, करेक्ट। अब अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ना बेटा, वो दो पार्ट में है। एक है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, किसमें नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, और दूसरा किसके ऊपर है बेटा, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, दो मार्क के लिए आपको आ सकता है राइट एनी फोर अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तीन मार्क के लिए नहीं पूछेगा बेटा, और चार मार्क की तो इसकी लाइक ही नहीं है। चार मार्क के लिए ये पूछना हो तो डेरिवेशन ना पूछ लू, ठीक है। तो दो मार्क के लिए आ सकता है स्टेट एनी फोर, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर दो मार्क के लिए क्वेश्चन आता है ना, तो आप दोनों के दो दो पॉइंट लिखो, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के दो पॉइंट लिखो और रैंडम मोशन के दो पॉइंट लिखो। अगर दो से ज्यादा लिखोगे तो भी चलेगा, पांच लिखे ज्यादा नहीं लिखना, छह नहीं लिखना, पांच लिखे तो भी इनफ है, इट्स फाइन, ओके, लेकिन छह नहीं लिखना, क्योंकि जितना लिखते हैं उतना ही मार्क्स मिलता है, एक्स्ट्रा का कोई मार्क्स हमें नहीं मिलता है, ओके। सो प्लीज मेक वेरी श्योर अबाउट दैट, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। चालू करें, श्योर, चलो क्या पहला अजम्पशन गाइस, अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स, अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स, ओके। सेकेंड, एक गैस के पास लार्ज बहुत ज्यादा टाइनी में छोटे 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 मॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा, ओके। दीस मॉलिक्यूल्स आर रिजिड एंड perfectly elastic, these molecules are rigid, weightless, and perfectly elastic sphere of very small diameter, ये जो spheres है, okay, ये जो spheres है, छोटे, ये perfectly, these molecules जो है, वो perfectly elastic spheres होते हैं, बहुत छोटे diameter के, weightless होते हैं, okay, बहुत बहुत कम negligible weight होता है उनका। Third, the force of attraction between molecules of a gas is negligible.
प्राइस ऑफ आइडियल गैस इट इज जीरो। क्या बोला बेटा? द मॉलिक्यूल मालूम है ना देखो, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के बीच में होता कितना होता है? मैक्सिमम। लिक्विड्स में थोड़ा कम और गैसेस में तो एकदम कम, मिनिमम होता है, लीस्ट होता है। ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो गैस के केस में वो क्या होता है? नेग्लिजिबल। और अगर वो आइडियल गैस है, इफ इट इज एन आइडियल गैस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीधा जीरो हो जाता है। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जीरो होता है। आइडियल गैस का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है? जीरो, बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ आइडियल गैस। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होता है? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल। अब वो होता ही नहीं आइडियल गैस के केस में, इसलिए पीई ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होता है? जीरो। के ही नहीं होता है, के क्योंकि मूव हो रहा है ना, के ही जीरो नहीं होता है, पीई जीरो होता है। क्लियर? श्योर? ये तीन है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। अब आते हैं फोर्थ पे, रैंडम मोशन। These molecules are in a state of random motion. These molecules are in a state of random motion. That is, move in different direction with different velocities called as molecular chaos. Molecular chaos. ये जो मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, ये रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन मतलब यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां फुल स्पीड से यहाँ वहां भागते रहते हैं। ओके, इस रैंडम मोशन का मतलब क्या कि अलग अलग वेलोसिटी से अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं, और इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्योस। मॉलिक्यूलर क्योस। ओके, ड्यूरिंग their motion molecules collide with each other and also with the walls of container. These collisions are perfectly elastic collision. These collisions are perfectly elastic collision. मतलब क्या कि ये motion के समय ये random motion के समय molecules collide with each other, एक दूसरे से टकराते हैं, and also with the walls of the container. और किससे जाके टकराते हैं? कंटेनर के वॉल्स से। ओके, दोनों ही केसेस में ये कोलिजन क्या होते हैं बेटा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या कि कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद का काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होता है। मतलब आपका मॉलिक्यूल टकराने में एनर्जी लूज नहीं करता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होते हैं, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, इस कोलिजन में वो अपना एनर्जी लूज करते हैं। ड्रिफ्ट होते ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था, लूज करते हैं, और यही लूज हुआ एनर्जी कंडक्टर में सेव होते रहता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ये कंसेप्ट है। इस केस में जब मॉलिक्यूल टकराते हैं तो वो अपना एनर्जी लूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। मतलब कोलिजन के पहले वाला एनर्जी और कोलिजन के बाद वाला एनर्जी सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा।
आपका मॉलिक्यूल एनर्जी लूज नहीं करेगा, नहीं तो कंडक्टर भी आपका ये जो कंटेनर है वो कंटेनर भी टकराने की वजह से गर्म होता जाएगा ना बाबा, करेक्ट, समझा कि नहीं? ओके, सो ड्यूरिंग देयर मोशन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, दीज कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. ओके, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन मॉलिक्यूल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ कॉल्ड एज फ्री पाथ. दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और उसे ही हम कहते हैं फ्री पाथ. क्या कहते हैं? फ्री पाथ. देखो ये पहली बार टकराया, ठीक है, फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया, फिर दूसरी बार टकराया. ओके, फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया, करेक्ट. बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन मॉलिक्यूल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ कॉल्ड एज मीन फ्री, कॉल्ड एज फ्री पाथ, कॉल्ड एज फ्री पाथ. सेवेंथ, दो मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, दो मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, द एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. क्या बोला बेटा? क्योंकि क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में यहां वहां यहां वहां यहां वहां यहां वहां घूम रहे. ओके, फिर भी अगर आप एक एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर आप एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो ना, वो आपको हमेशा सेम मिलेगा. क्यों? क्योंकि अगर दो तीन बाहर निकल रहे तो दो तीन अंदर भी आ रहे, दो तीन बाहर निकल रहे तो दो तीन अंदर भी आ रहे. अगर एक वॉल्यूम मैंने कंसीडर किया, एक मीटर क्यूब का वॉल्यूम, बहुत हो गया एक मीटर की, तो एक सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम अगर मैंने कंसीडर किया तो उसमें एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट. क्यों? कि अगर कोई दो बाहर निकल रहे उस वॉल्यूम से तो कोई दो अंदर भी आ रहे, रैंडम मोशन में कंटिन्यूअसली. दो मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, द एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. क्लियर? श्योर? एट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट temperature. पक्का बेटा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर. श्योर गाइस? एकदम पक्का? ये है आपका assumptions of kinetic theory of gases. Assumption है ये आपके assumptions, ठीक है? Short, अगर आपको दो मार्क का क्वेश्चन आता है, ओके, तो चार पॉइंट लिखे मस्त डायग्राम बनाने का,
थोड़ा बहुत ओके एंटरटेन करने का आपके एक्सटर्नल को, ठीक है, मार्क्स देगा क्यों नहीं देगा, कोई भी चार पॉइंट लिखना है आपको, कोई भी चार पॉइंट, एनी चार पॉइंट, इज योर चॉइस। ओके, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है जरूरी है, आपको अजम्पशन पूछा, कोई भी चार अजम्पशन लिखो, क्लियर, बट प्रिसाइसली समझो, रट्टा मत मारो, समझो हर एक अजम्पशन, समझाया मैंने क्या हो रहा है, हर एक अजम्पशन समझाया मैंने, क्लियर गाइस, एकदम पक्का, आगे बढ़े। चलो आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट पे आते हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, किस पे आते हैं गाइस, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, सबसे पहला क्या बेटा, मीन फ्री पाथ लैम्ब्डा एम। ओके, व्हाट इज मीन फ्री पाथ, अरे एकदम सिंपल है, द मीन फ्री पाथ क्या था, बिटवीन टू सक्सेस इक्वलिटी मॉलिक्यूल चार्ज स्टेट लाइन बात कॉल एज फ्री पाथ, ये फ्री पाथ था, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ, सिर्फ एवरेज वर्ड चिपका दिया आगे। ओके, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, क्या बोला बेटा, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल इन स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, The average distance traveled by a molecule in straight line path between two successive collision is called as mean free path. Clear? Second. Okay. Mean velocities. Mean velocities of molecule. क्या है बेटा वो, हम कहते हैं VM. क्या है बेटा ये, इट इज द एवरेज, ओके, इट इज द एवरेज ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स, इट इज द एवरेज ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, सो वी एम विल बी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस डॉट वी एन अपॉन एन, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन सब की वेलोसिटी का एवरेज, उन सब की वेलोसिटी का एवरेज, एकदम पक्का बेटा, हाँ कि नहीं, चलो ध्यान दो, थर्ड, उसके बाद mean square velocities, मतलब VMS, mean square velocity, क्या है बेटा, it is the
एवरेज ऑफ स्क्वेयर वेलोसिटीज ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स. क्या है बेटा वो एवरेज है किसका? स्क्वेयर वेलोसिटी का. किसके? सारे गैस मॉलिक्यूल्स का. मतलब therefore VMS will be V1 square plus V2 square plus dot 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 VN square upon N. VN square upon N. पक्का? हाँ कि नहीं? पक्का बेटा? श्योर? आगे बढ़े. लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दैट इज VRMS. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. पक्का बेटा? एकदम पक्का बोल. इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी. इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. अर्थात VRMS is equals to root of VMS या फिर VRMS is equals to root of what is VMS? V1 square plus V2 square plus dot 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 VN square upon N. क्लियर गाइस? एकदम पक्का? श्योर? हाँ क्या नहीं बच्चा लोग? सो दिस वॉज टूडेज लेक्चर गाइस. ये आज का लेक्चर था. करेक्ट? ओके. सो आज हमने क्या क्या पढ़ा गाइस एक बार जरा देख लेते हैं. हमने शुरू किया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन से. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन से हमने शुरू किया. हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा कि भाई ये चैप्टर में एक्चुअली क्या है. ओके, तो चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड था. एक पार्ट था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दूसरा पार्ट था रेडिएशन का. ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ पैसिव गैसेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले? अच्छा, इसका एक पार्ट है जो हम लोग कहां पढ़ेंगे? थर्मोडायनामिक्स में. थर्मोडायनामिक्स में कौन सा पार्ट? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एंड मेयर्स रिलेशन. ये पार्ट जो है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स से, इसलिए हम लोग ये पार्ट वहां पढ़ेंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, श्योर. उसके बाद रेडिएशन का पार्ट. दो अलग अलग पार्ट है चैप्टर के, केटीजी का पार्ट और रेडिएशन का पार्ट. केटीजी पे न्यूमेरिकल्स अलग है, रेडिएशन के न्यूमेरिकल्स अलग है. दोनों बहुत रेयर केसेस में मर्ज होते हैं. ठीक है, बहुत रेयर केसेस में. श्योर? ओके. फिर हमने सबसे पहले आज देखा गैस लॉ. अपना एक इंट्रोडक्शन था ये. ओके, जो हम लोग 11th में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं. गैस लॉ में बॉयल्स लॉ देखा, चार्ल्स लॉ देखा, गे-लुसेक्स लॉ देखा. फिर हमने आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है वो देखा. फिर आइडियल गैस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं वो देखे. और उसके ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल देखा हमने कि भाई कैसे आता है उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल. ठीक है, टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल लिया, न्यूमेरिकल नंबर 12. उसके बाद हमने देखा गाइस व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशन क्या है? व्हाट आर द अजम्पशंस? वो अजम्पशंस हमने देखे डिटेल में. ठीक है, एक एक अजम्पशन देखा. अजम्पशंस दो पार्ट में है. एक है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरा है रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, उसके बाद गाइस उसके बाद हमने देखा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स. अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और बार बार मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये पार्ट ना हमें अब जो नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उसमें काम आएगा. उसमें काम आएगा गाइस.
ओके सो प्लीज 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 बहुत 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 अच्छे से इसको याद रखना. फाइन गाइस, सो दैट्स इट फॉर द डे. विल स्टॉप हियर फॉर द डे. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास विद टू इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. एक, प्रेशर एग्जर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और उसके बाद विल गो फॉर VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी. श्योर? चलो, विल स्टॉप हियर फॉर द डे. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय गाइस.